पर एक न्यूज आई हुई है कि कोटा में इस साल 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हर साल करीब करीब 13 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, और सीट्स कितनी है? सिर्फ 10,000। अगर इस प्रॉब्लम का हम सब मिल करके जेन्युइनली एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो ये नहीं है कि हम बच्चों को बोले कि आप कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो, क्योंकि वो चाहे जितना भी कॉम्पीट कर ले, रियालिटी क्या है, लाखों में से सिर्फ कुछ को ही एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब किसकी एबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, इसको जज करने का कोई हमारे पास में टूल नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम पहले से जज कर सके कि इस बच्चे में इतनी एबिलिटी है भी कि वो टॉप 10,000 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मतलब हम उनके ऊपर प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन अगर वो टैलेंट ही नहीं हुआ, वो एबिलिटी ही नहीं हुई, तो एक बात पक्की है राइट फ्रॉम डे वन कि उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। और ये हर उस करियर ऑप्शन में है जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, सब भाग रहे हैं आप बात करके। ऊपर से पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तुझे भी यही करना है, अंदर से उसके भी यही प्रेशर है कि मुझे भी यही करना है, क्योंकि सब मुझसे यही चाहते हैं, तो मुझे सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। मुझे अगर सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी है तो मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है, नहीं तो सोसाइटी मुझे से ड्रीम। ये चार ही रास्ते नहीं है सक्सेसफुल होने के, अरे 4,000 रास्ते हैं, अनलिमिटेड रास्ते, इनफाइनाइट रास्ते हैं। अगर कोई लिमिटेशन है तो वो बाहर नहीं है, इन रास्तों में नहीं है, दरवाजों में नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है, माइंड में हमने बना लिया, बस यही ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन में मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं एक विनर हूं, नहीं तो मैं एक लूजर हूं। इनमें मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे आगे जाकर के बहुत पैसा मिलने वाला है, अगर नहीं हुआ तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मुझे घर बैठना पड़ेगा। एक गलत सोच, बकवास सोच है, बेवकूफों वाली सोच है। आपको ऐसे में लाखों एग्जांपल्स इंडिया में दिखा सकता हूं जो इन कॉलेजेस से नहीं निकले हैं और बहुत सक्सेसफुल है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इनफैक्ट इन कॉलेजेस से जो लोग निकले हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं। हमें करना क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने दिमाग में ये बिठाना होगा जो मैं बात बोलने वाला हूं, इसको अपने अंदर तक जाने देना होगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हो। अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर ऑप्शंस भी है। जो सोच है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसके ऊपर लगाओ एक क्वेश्चन मार्क, दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी जो कहते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वो हमें कब दिखेंगे, कब पता लगेगा हमको उन बेटर ऑप्शन के बारे में, कब हमारा ध्यान जाएगा उनकी तरफ, जब हमारा ध्यान यहां जाएगा तो हमको नजर आ जाएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं कुछ ऐसे से काम करके जो हमने सोचा भी नहीं। ऐसे लोग जिनको स्कूल में घुसने तक के लिए मना कर दिया था, मैं कॉलेज की तो बात ही नहीं करता कि वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री पलट के रख दिया पूरी की पूरी दुनिया की। और आप किस वजह से दुखी हो रहे हो, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, अरे क्या हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो गया, कोई एंड नहीं है भाई, बहुत कुछ है आगे करने के लिए। तो हम ऐसे, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब लोगों ने बोला है तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज की डेट में ही इज अर्निंग क्लोज टू अराउंड 12 से 15 लाख रुपए एक साल का। क्या किया उसने, ऐसे कंपटीशन में कॉम्पीट किया जहां पर 13 लाख लोग कॉम्पीट कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना बुरा है, अगर आपका पैशन है, अगर पैशन भी छोड़ो, पैशन तो कितने लोगों का होगा पढ़ाई में, पैशन को भी छोड़ो, अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं दिन में 8 घंटे 10 घंटे लग करके पढ़ सकता हूं, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर से पढ़ सकता हूं, तो पढ़ो ना। तो आपके लिए आईआईटी आईआईएम्स और ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ना मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पे मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मे बी बिजनेस में, मे बी किसी और चीज में, वो मैं कर सकता हूं, तो वो करो ना, कौन रोक रहा है आपको। वो एक ऐसी रेस में भागना है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि आप हारने वाले हो। प्रॉब्लम
यहां पर वो लोग नहीं है जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है। मान लो 50,000 लोग ऐसे हैं यहां पे जो इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं जिनके अंदर जेन्युइनली पोटेंशियल है, तो इन 50,000 में से 10,000 का हो गया, बाकी 40,000 का नहीं हुआ, तो ये 50,000 लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बाकी के लोग। बाकी के लोग जिनको इस रेस में भागने से पहले ही पता होता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी भाग रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो सुसाइड वगैरह करने के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी जड़ क्या है? कॉम्पिटिशन। बहुत बारीक बात है अगर इसको हमको समझ आए तो, एक बॉक्सिंग रिंग में आप हो, ठीक है, तो सामने देखो कि जो बॉक्सर है वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो, इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर उस कंपटीशन को आपको जीतना है, और जीतना ही है, हारना किसको है, किसको अपने माँ बाप के पैसे डुबोने हैं, इतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है, पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ जाओ, समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ पर रहे हो। वो कैसे समझोगे, रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे या जो भी आज तक आपने किया है उसके बेस पे, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक चैप्टर है मान लो एक बुक में, उसको पूरा याद करने में या समझने में 1 घंटा लगता है, आपको कितनी देर लगती है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या आधा घंटा, ये पूछो अपने आप से। Then you will be able to judge your strength in comparison to your competitors. ये जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी concentration powers extraordinary हैं। उनसे अगर आप compete कर रहे हो, at least आपकी concentration powers extraordinary होनी भी चाहिए। और concentration power एक दिन में extraordinary नहीं होती, ये practice है। मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी practice करी, तब जाके उनकी concentration power एक level तक पहुंची। अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है कैसी। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस है? 100% है। पूछो अपने आप से, दिमाग को खोलो, दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का। IIT में लोग कहां से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं, सिर्फ बॉम्बे से आते हैं, कहां से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। आप समझ गए, जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा, जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा, तो सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। ऊपर से अपने आप को पॉजिटिवली अंदर से मोटिवेट करता रहा। घर वाले भी मुझे रोज फोन करते हैं, नहीं बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। रियलिटी को देखो ही ना, अपनी स्ट्रेंथ को देखो ही ना, अपनी आंखें बंद कर लो, सच बोलो, जीत सकते हो तो लड़ो, नहीं जीत सकते तो कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आप जीत सकते हो।